नमस्कार, मैं मनु पवार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। हाजिर हूं मैं एक नई पेशकश के साथ। आज बात करूंगा बॉलीवुड के उन सितारों की जिनका नाता पहाड़ से है, जिनका नाता उत्तराखंड से है, गढ़वाल से, कुमाऊं से है, लेकिन जो अपनी पहाड़ी पहचानों को छिपाने की कोशिश नहीं करते, ना उनसे बचने की कोशिश करते हैं, ना उन्हें कोई कॉम्प्लेक्स है, बल्कि वो ज्यादा मुखर होकर उस पहाड़ी पहचान को बताते हैं हर प्लेटफॉर्म पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिएगा, ताकि आपको एक से एक दिलचस्प वीडियो पहुंचाता रहूं। की याद करे फूलर गे प्राणी, झिकुड़ी धक धक कद अपनी नीच बाणी, याद करे। हमने वो दौर भी देखा है जब पहाड़ से निकले और बड़ी बड़ी जगहों पर पहुंचे, बड़े बड़े पदों पर पहुंचे, बॉलीवुड में पहुंचे जो फिल्म स्टार हैं या दूसरे बड़े पदों पर पहुंचे लोग हैं, जो वो अपनी पहाड़ी पहचानों को लेकर उनमें एक हिचक होती थी, एक तरह का कॉम्प्लेक्स होता था। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, बदले हुए हालात हैं, और हम देखते हैं कि बड़े बड़े सितारे अपनी पहचानों को लेकर मुखर हैं। मैं ये बात एक वीडियो को लेकर कर रहा हूं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वो वीडियो है वरुण बड़ोला का। वो एक्टर हैं वरुण बड़ोला, छोटे पर्दे के बड़े पर्दे के एक्टर हैं वरुण बड़ोला। उनका एक वीडियो, उन्होंने एक गढ़वाली गाना गाया है, वो गढ़वाली गाना जो कि 50 साल पहले तक उनके पिताजी रेडियो पर गाया करते थे। वरुण बड़ोला ने वो गाना गाया, सोशल मीडिया पर डाला, गढ़वाली गाना है, उसे शेयर किया और वो वायरल हो गया। छेला बणी की उदास लेंदी गरम गरम सांस, बाणी गे तन को कपास, कंदुड़ी छन बयानी। जो उत्तराखंड के बारे में जरा भी जानते हैं उन्हें अंदाजा होगा कि जो बड़ोला सरनेम है उसको देखकर अंदाजा लग जाता है कि वो लोग समझ सकते हैं कि वो उत्तराखंड से होंगे, उनका पहाड़ का मूल रूप से वो पहाड़ी होंगे। लेकिन कुछ सितारों के बारे में पता नहीं चलता कि वो उनका ताल्लुक है कहाँ से, उनका मूल गाँव कहाँ है, उनका अपना स्टेट जो है वो कौन सा है। जैसे एक्ट्रेस है अनुष्का शर्मा है। अनुष्का को आपने जब भी फिल्मों में देखा होगा तो ऐसा अंदाजा लगता है कि वो एक पंजाब से बिलोंग करती हैं, वो पंजाब के मूल की हैं, क्योंकि उनके जो रोल होते हैं उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि वो पंजाबी हैं। लेकिन अनुष्का शर्मा कई प्लेटफॉर्म पर खुलकर बता चुकी हैं कि वो पहाड़ी हैं, वो उत्तराखंड से हैं, वो गढ़वाली हैं, और वो न सिर्फ बताती रही हैं बल्कि वो गढ़वाली गाने, पहाड़ी गाने सुना भी चुकी हैं, गा चुकी हैं, और यहां तक कि वो पहाड़ी डांस करते हुए भी दिखी हैं टीवी पर। बेड़ुपा को बार मासा, बेड़ुपा को बार मासा, ना 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 कपल पाको चेता मेरी छेला। गढ़वाली गाना गाओ। हाँ गढ़वाली। गो फॉर इट। गो फॉर इट। माय मम विल बी सो हैप्पी। मम्मी आई होप यू वांट एंड ऑल माय गढ़वाली भाई बहन। हाँ चलो। बेड़ुपा को बार मासा, बेड़ुपा को बार मासा, ना 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 कपल पाको चेता मेरे छेला, ना 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 मेरे छेला। बस हो गया। इट्स एक्चुअली इन कुमाऊनी। आई एम फ्रॉम उत्तरांचल। बेड़ुपा को बार मासा, बेड़ुपा को बार मासा, नरनी कपल पाको चेता मेरी छेला,
पान सुपारी पे खानी पान सुपारी पे खानी नरणी मिते देनी बीड़ी मेरी छैला नरणी कपल पाको छैला मेरी छैला एक अभिनेत्री हैं हिवानी शिवपुरी, उनको भला कौन नहीं जानता। वो छोटे पर्दे की बड़े पर्दे की बहुत जानी मानी एक्ट्रेस हैं। कई फिल्मों में आपने उनको देखा होगा, कई टीवी सीरियल्स में आपने उनको देखा होगा। वो मूल रूप से उत्तराखंड से हैं, गढ़वाल से हैं, चमोली जिले की हैं। वो भट्ट परिवार से हैं। उनके पिता जो डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश थे, वो दून स्कूल में हिंदी के प्राध्यापक रह चुके हैं और गढ़वाली के बहुत जाने माने जो है वो साहित्यकार रह चुके हैं डॉक्टर हरिदत्त भट्ट शैलेश। उन्हीं की बेटी हैं हिमानी भट्ट शिवपुरी। हिमानी शिवपुरी जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें हिमानी शिवपुरी से वो बॉलीवुड में बहुत बड़ा नाम है। हिमानी शिवपुरी से जब भी गुनगुनाने को कहा जाता है, सुनाने को कहा जाता है, तो वो गढ़वाली गाना पहाड़ी गाना सुनाना नहीं भूलती। एक झलक आप देखिए। जो पेरी लो जो मेरा पंचमी का दिना जो पेरी लो पंचमी का दिना जो पेरी लो। दीपक डोबरियाल बॉलीवुड में एक दमदार पहाड़ी नाम है। उन्हें कई फिल्मों में आपने देखा होगा, बहुत चर्चित भूमिकाएं उन्होंने की हैं दीपक डोबरियाल ने। दीपक डोबरियाल खालिस पहाड़ी है, दिल से मन से पूरे वो खालिस पहाड़ी है। वैसे मूल रूप से वो उत्तराखंड से हैं, पौड़ी गढ़वाल जिले के सतपुली में कबरा गांव है, वहां के वो मूल निवासी हैं। दीपक डोबरियाल इस कदर पहाड़ी है कि वो पहाड़ी गाने सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। जहां कहीं भी उनको पहाड़ी समारोह में जाना होता है तो वो गढ़वाली गाना जरूर गाते हैं। पुष्पा चोरी और ये पहला रैप सॉन्ग लगा मुझे गढ़वाली में। आपके वही वे वही करना जाकर होता है, जाकर में जो चार पांच नहीं आते लेकिन तो वही वे वही करना है। बॉलीवुड की नई दौर की जो प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं, उनमें एक नाम है उर्वशी रौतेला का। उर्वशी रौतेला पहाड़ से, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के लेसडाउन से हैं। उर्वशी कई बड़े स्टार के साथ काम कर चुकी हैं, कुछ बड़ी फिल्में कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी पहाड़ी पहचान से जुड़ी हुई हैं, बराबर जुड़ी हुई हैं। उर्वशी रौतेला हो या दीपक डोबरियाल हो, उन्हीं की तरह एक बॉलीवुड में एक और बड़े नाम है, सिंगिंग स्टार है वो, जिनको आप उनके सरनेम से ही पहचान सकते हैं कि उनका मूल कहाँ है, वो कहाँ से ताल्लुक रखते हैं। और वो नाम है जुबिन नौटियाल का। जुबिन नौटियाल फिल्मों में गाना गाते हैं, वो फिल्मों के गायक हैं, बड़े नाम हैं, लेकिन मंच पर वो गढ़वाली गाना, वो जौनसारी गाना सुनाना नहीं भूलते, जिसके दम पर, जिसके नाम पर उनकी पहचान बनी। तो जुबिन नौटियाल को सुनाता हूँ। तो एक जौनसार का गाना है और आई थिंक आज देश विदेश में लोग इस गाने को सुनते हैं, एंड आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट कि जौनसारी गाना लोग इतना सुन रहे हैं। जुर लागी तेरी पानी पीवी ना ना जो किचे भी खाई ना
झुर लगी तेरी पानी पीवी ना ना जा किचे भी खाई ना ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चीटी पतेरी आई ना ओ साथी ओ साथी ओ साथी तेरी चिट्ठी पतेरी आई ना। बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम से भला कौन परिचित नहीं होगा। सोनू निगम के बारे में आपको बहुत दिलचस्प जानकारी दे दूं। सोनू निगम आधा पहाड़ी है, मतलब आधा पहाड़ी मतलब कि उनकी माँ गढ़वाली है। उत्तराखंड के श्रीनगर जो इलाका पड़ता है उसके थोड़ा आगे कलियासोड़ है, उसके आसपास कहीं उनका ननिहाल है। कई बार सोनू निगम अपने ननिहाल जा चुके हैं। सोनू निगम के साथ कुछ साल पहले एक दिलचस्प वाकया हुआ। एक टीवी के रियलिटी शो में वो जज थे, वहां पे वसुंधरा रतूड़ी नाम की लड़की जो गायिका थी उत्तराखंड से, वो आई, उसने गढ़वाली गाना सुनाया और उस गाने को हिंदी में अनुवाद किया सोनू निगम। जी हाँ, सोनू निगम ने उस गढ़वाली गाने को हिंदी में ट्रांसलेट किया और बताया बाकी लोगों को कि उस गढ़वाली गाने के भाव क्या है। इस गाने के द्वारा मेरे ख्याल से जहाँ तक समझाऊँ, वहाँ के जो बेचारे सीधे साधे गढ़वाली उत्तरांचल के जो लोग हैं, वो लोग विधाता से भगवान से बोल रहे हैं कि हम तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे से सलूक कर रहा है। और हमारे पितरों के बसाए हुए जो टिहरी का जो गांव है वो पानी में डूब गया यार, और किसकी बुरी नजर लगी। क्यों गढ़वाली लैंग्वेज नहीं है, डायलेक्ट में आती है? डायलेक्ट है। अच्छा, आई डोंट नो दिस, क्योंकि मेरी मम्मी भी गढ़वाली है। ओके ओके, तो ये तो हो गई गाने की बात। पहाड़ में कई बार हमने बच्चों के साथ घुघुती बसुती खेला होगा, आप भी खेलते होंगे, अभी भी खेल रहे होंगे। छोटा खेल जो है घुघुती बसुती, इस घुघुती बसुती को बड़े मंच पर बड़े फर्क पर पहुंचाया अनुष्का शर्मा ने, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने, वो भी कपिल शर्मा जो शो आता है कॉमेडी का, उस शो में। और मैं गढ़वाली फैंस, बबूती बसूती क्या खानी दुदभाती मिबिदेली ना झूठो चके कू बड़ी माँ कू बड़ी माँ खक गई जुल दोन क्या लानी दानी मिबिदेली ना। तो ये वो वाला पहाड़ है जो बॉलीवुड में बुलंदियों पर है, जो सिंगिंग के क्षेत्र में बुलंदियों पर है, म्यूजिक में बुलंदियों पर है और दूसरे क्षेत्रों में बुलंदियों पर है, लेकिन अपनी पहाड़ी पहचानों को सार्वजनिक करने से शर्माता नहीं है, उसे कोई हिचक नहीं है, उसे कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। और ये बदलाव हमने कुछ समय पहले से देखना शुरू किया है। ये बहुत पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग छिपाते थे अपनी पहाड़ी पहचानों को। तो ये नए दौर की ये नए दौर का पहाड़ है, ये जो नया पहाड़ है जो अपने को इस तरह मुखर होकर बताता है कि मैं, मेरी जो पहचान है, मेरी जो जड़ें हैं वो उस पहाड़ में हैं। यही बात है और ये जो बात है वो हम सब, हम जैसे पहाड़ियों में एक नया जोश भर देती है। हम एज अ गढ़वाली, एज अ पहाड़ी, गढ़वाली कुमाऊं कुछ नहीं, माय मॉम इज कुमाऊंनी, माय डैड इज गढ़वाली, आई एम उत्तराखंडी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। आप लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। और हाँ, मेरे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे दिलचस्प वीडियो लगातार आप तक मैं पहुंचाता रहूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।